हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, मैं आने वाले वीडियो में पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मैं डेली वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे, तो वो आपको उसके अपडेट मिलते रहें और आप इसका सोल्यूशन मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 और क्वेश्चन नंबर इज 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, तो यहाँ पे एक हमें क्या गिवन है, एक राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेनस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर टू साइड। तो पहले मैं यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि राइट ट्राइंगल की हमें साइड्स गिवन है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, एक राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस इज 13, तो मैं हाइपोटेनियस गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये जो परपेंडिकुलर होता है जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है उसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा एल्टीट्यूड, ओके ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि बेस जितना भी हो उससे 7 सेंटीमीटर लेस कम है एल्टीट्यूड। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 माइनस 7 3 है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 20 माइनस 7 ये 13 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें बेस पता होगा तो उसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेट करते हैं कि बेस अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7, क्योंकि हमने वेरिएबल में लेना है तो वैसे ही लिया। जैसे मैंने आपको नंबर में बताया था कि ये 10 है तो ये 10 माइनस 7 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 माइनस 7 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस जितना भी होगा उससे 7 कम एल्टीट्यूड होगा और हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ पे तीनों साइड पता चल गई है। तो हम राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमने लेट किया करते हैं, राइट करते हैं, क्वेश्चन को लिखना कैसे वो करते हैं। और तो लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स, और यूनिट हमें यहां पे सेंटीमीटर की है ना, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो देयरफॉर अगर बेस इतना है या देन एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड इक्वल में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7। और आपको यहां पे गिवन है, एक हमें हाइपोटेनियस गिवन है। तो अगर आप इसे फिगर बना के समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम में फिगर जरूर बनाएं। ये क्वेश्चन में कहीं पे फिगर गिवन नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें एग्जामिनर को तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि हाइपरटेनियस, यहाँ पे हाइपरटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होती है, मतलब कि ए सी स्क्वायर इक्वल में हाइपरटेनियस हमारा ए सी है, बेस हमारा कितना है बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ ए बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसी में वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ ट्राइंगल से हम देख लेते हैं जो भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, एक्स माइनस 7 स्क्वायर, और बी सी हमारा कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर। बी सी हमने यहाँ से देखो एक्स लिया, ये एक्स माइनस 7 है, और ए सी हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस है तो प्लस 2ab आएगा और माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला, इसको इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं बाय आइडेंटिटी से, तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 2ab, तो ये 2, a कितना है हमारा x और b कितना है 7, तो ये हमारा हो गया यहाँ से 14x हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया 14x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, और नहीं पता है तो आप 13 इंटू 13 करके देख लेना, ये 169 आएगा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 169।
अब इसको हम, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके. तो जनरल इक्वेशन हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो हम इस इक्वेशन को पहले इक्वल जीरो बना लेते हैं, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इक्वल टू जीरो. अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर. फिर हमारी x वाली टर्म आएगी तो ये आएगा माइनस 14x और 169, और ये प्लस का 49, तो प्लस माइनस माइनस होगा. तो 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा हो गया 120, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 169 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 2 आता है, 14 आता है, 120 भी आता है. तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बच गया. फिर 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम, तो ये एक्स 7 हो गया. 2 के टेबल में 120 आता है 60 टाइम, तो ये हमारा यहाँ 60 हो गया इक्वल जीरो. तो ये 2 हम यहाँ डिवाइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन को जितना हो सके उतना ईजी बनाना है. माइनस 60 इक्वल टू 0/2, जीरो में किसी से भी डिवाइड करो जीरो हो जाता है. तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल में जीरो. तो हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं. तो 7 को स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीपल करते हैं. तो मैं लिख लेती हूँ ए इक्वल टू 1 है, ये हमें रफ में करना है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है. बी 7 है और सी हमारे यहाँ 60 है. तो हम देख रहे हैं स्प्लिट कैसे होगा. तो a इंटू सी हमारा कितना हो गया, 60 हो गया. तो 60 के फैक्टर, क्योंकि 1 इंटू 60 60 हो गया, 60 के फैक्टर बना लो. 2 के टेबल में 30 टाइम आएगा, फिर 2 के टेबल में 15 टाइम आएगा, 3 के टेबल में 5 टाइम, फिर 5 टाइम, और ये 1. तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो कांस्टेंट का जो साइन होता है उसको अगर प्लस है तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए. तो यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ पे ऐसे फैक्टर इसको अरेंज करने कि माइनस करने पर 7 है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 into 2 6 हो गया, 6 into 2 12 हो गया, और ये 12 माइनस 5 हमारा 7 हो गया. तो ये हमारा हो गया पेयरिंग हो गई, क्योंकि 3 into 2 6, 6 into 2 12, और 12 माइनस 5 हमारा कितना हो गया 7. अगर हम कोई और पेयरिंग लेते हैं जैसे 5 into 3 15 हो गया, और 2 into 2 4 हो गया, तो 15 minus 4 तो 9 हो जाता है. और भी इतनी, इससे आप बहुत सारी पेयरिंग कर सकते हो जितनी भी पॉसिबल है, लेकिन जो हमें चाहिए हम उसी के पेयरिंग करेंगे. तो हमें 7 चाहिए तो इसलिए हमने 12 minus 5 लिखा. तो इस 7 की जगह हम क्या राइट कर लेंगे, अब ये 12 minus 5. तो ये मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई. तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज. इस 7 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 12 minus 5, फिर माइनस 60 इक्वल में जीरो. तो ये जो मैंने मेथड बताया, इससे आपको साइन का नहीं सोचना पड़ेगा कि किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें कि माइनस 7 आ जाए. तो सीधा आपको मिडिल टर्म जहां पे, ये सारा मेथड सबके लिए सेम है, चाहे आपका क्वेश्चन प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी साइन हो, ये इजी मेथड से सॉल्व हो जाएगा. नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, माइनस 60. और अदरवाइज आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आएगा. नाउ कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ पर 12 into 5 तो हमारा 60 हो गया, और 12 minus 5 हमारा यहाँ 7 हो गया. तो अब कॉमन लिया तो यहाँ से तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 हो गया. फिर यहाँ से देखो 60 में 12 into 5 है, तो आपने यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ से जो भी इसका साइन होगा वो साइन कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस 5 कॉमन आएगा. तो यहाँ से तो x बच गया माइनस एज इट इज, 60 में से ये 5 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, 12 बच गया इक्वल में 0. अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये x माइनस 12 ले लिया, और ये x प्लस 5 हो गया इक्वल में 0. तो हमें वैल्यू चाहिए x की, तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0. तो वैन x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया 12, और वैन x प्लस 5 इक्वल में 0, तो x कितना हो गया यहाँ से माइनस 5, प्लस 5 इधर ट्रांसफर तो माइनस 5. लेकिन आप यहाँ पे देखो, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, अपने ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव होती है, तो आप यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल की साइड्स जो भी मेजर हम करते हैं, लेंथ हम मेजर करते हैं, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. तो आपको यहाँ पे रीजन लिखना है, सिंस साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, तो देयरफॉर
लेंथ ऑफ बेस, बेस हमने एक्स लिया था तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली को हम नहीं लेंगे, तो बेस हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, और एल्टीट्यूड जो हमारा था वो हमने लिए कितना लिया था, एक्स माइनस सेवन ना, तो ये हमारा एक्स 12 हो गया और ये हमारा एक्स माइनस सेवन, तो एक्स की जगह 12 पुट कर लो तो ये हो गया 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 हमारा हो गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन में आपको यूनिट गिवन है तो यूनिट लगाना कंपलसरी है। ये बेस हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हमारा हो गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो यही हमको फाइंड करना था। और ये फाइनल आंसर आपको हमेशा लिख कर बताना है, इसके भी मार्क्स होते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स भी इसमें से, हाफ मार्क्स इसमें से कट ही जाएगा अगर आप ये नहीं राइट करोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।